सबसे पहले आप लोग इस फोटो को देखिए गाइज, ये सारा का सारा सीबी एडिटिंग फोटो है। एंड गाइज, ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है, आप लोग को दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन होगा इसको लेकर कि सीबी बैकग्राउंड कैसे बनता है, सीबी फेस स्मूथ कैसे होता है, सीबी हेयर कैसे बनता है। और गाइज, आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो भी देखे होंगे कि भाई ऐसे करो तो ऐसे होगा, और आप लोग मेरा भी बहुत सारा वीडियो देखे होंगे कि मैं भी गाइज यार एक दो साल से सीबी एडिटिंग करना आप लोग को सिखा रहा हूँ, फिर भी यार आप लोग को एडिटिंग करना नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। मैं जानता हूं गाइज, क्योंकि यार एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर आसान रहता तो यार हर कोई हम लोग को जैसा होता है, समझ सकते हैं आप लोग। लेकिन गाइज, अगर आप लोग इस वाले वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो यानी कि 100 बंदे इस वीडियो को देखेंगे तो 100 में से कन्फर्म है कि 90 लोग को सीबी एडिटिंग करना आ जाएगा, क्योंकि गाइजर सबसे आसान जो तरीका होता है वही तरीका आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, किस तरह आप लोग इस तरह का फोटो एडिटिंग कर पाएंगे, किस तरह से आप लोग इतना हार्ड बैकग्राउंड एडिटिंग कर पाएंगे। और सबसे मेन चीज़ क्या होता है गाइज, आपका फेस। मैं जानता हूँ आप लोग कितना भी कुछ भी करते हैं फिर भी आप लोग का फेस स्मूथ नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप लोग इस वाले वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आप लोग गजब तरीके से फेस को स्मूथ एंड उसके साथ फेस पे मैं कैसे पूरा चमक देता हूँ यानी कि पूरा वाइट कैसे करता हूँ वो भी चीज़ आपको बताऊंगा। एंड उसके साथ आप लोगों को रियलिस्टिक तरीका भी बताने वाला हूँ कैसे मैं अपने फेस को इतना हार्ड और इतना HD कैसे करता हूँ। तो गाइज यार, आप लोगों से एक ही निवेदन है कि इस वाले वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ठीक है। एंड आप लोग भी एकदम खुश हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए फटाक से आप लोग इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को एडिटिंग करना सिखाते हैं। गाइज देखिए, मैं आ चुका हूँ मोबाइल के होम स्क्रीन पे। एंड गाइज, फोटो आप लोग सारा मेरा देख सकते हैं कितना हार्ड हार्ड एडिटिंग हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, आपको हाफ फोटो ले लेना है, जो कि आप लोग देखिए मैं इसी को एकदम हार्ड एडिटिंग करना आप लोगों को सिखाऊंगा। तो सबसे पहले फोटो को आप लोग ले लीजिएगा और इस फोटो को डायरेक्ट आपको ले चलना कहाँ पे, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। देखिए गाइज, आपको किसी भी स्टेप को बिल्कुल मिस नहीं करना है, वरना आप लोग ऐसा एडिटिंग नहीं सीख पाएंगे। सारा सच्चाई आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा एक प्रीसेट, ठीक है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिए, इसके ऊपर जल्द वीडियो बन जाएगा। देखिए यहाँ सेटिंग आप लोग कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी जाके सेटिंग कॉपी कर लीजिएगा। फिर आपको अपने फोटो पे आ जाना है, जो भी फोटो आप लोग को एडिटिंग करना होगा। देखिए सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, जस्ट बस 3 डॉट पे आकर पेस्ट करना है, और देखिए 1 क्लिक और आपका चेहरा और बैकग्राउंड कितना हार्ड हो चुका है, जो कि आप लोग क्या करते हैं कि प्रीसेट का यूज नहीं करते हैं। और क्वालिटी देखिएगा कितना हार्ड, पूरा फुल HD, बिल्कुल फट नहीं रहा है। तो ऐसे आप लोग प्रीसेट यूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना, इस फोटो को डायरेक्ट आपको ले चलना कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी, बट क्या करें, सारा सच्चाई आज की इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए फोटो सेव हो चुका है, फिर मैं क्या करता हूँ, स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और फोटो जस्ट अपना ले लेना है। एंड गाइज, मैं जानता हूँ कि हम लोग को फेस पे एक दो ऐसे ही दाग वगैरह रहता है जो कि देख सकते हैं, इसको हटाने के लिए टूल्स पे आइएगा, हीलिंग पे जाइएगा, उसके बाद देखिए जूमिंग करके देखिए आप लोग को ऐसे ऐसे दाग पे क्लिक करना है। देखिए गाइज, मैं शुरू से लास्ट तक यानी कि मैं बता रहा हूँ ईजी स्टेप, यानी कि अगर आप लोग को बिल्कुल एडिटिंग नहीं आता है फिर भी आप लोग एडिटिंग करना आ जाएगा आप लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना आसानी से ऐसे ही आप लोग को अपना जो दाग है फेस का हटा लेना है, कितना हार्ड देख सकते हैं आप लोग, सेम ऐसे ही आप लोग दाग फेस का हटा लीजिएगा। देखिए कितना हार्ड गाइस, देखिए इतना सच्चाई आप लोगों को कोई नहीं बताता जितना आपका भाई। देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितना हार्ड हो चुका है। फिर आपको एक बार आना है पोर्ट्रेट वाले आइकन पे, और यहाँ से आप लोग को स्किन स्मूथिंग को हल्का सा हाई कर देना है, ठीक है, इतना कर दीजिएगा फेस स्पॉटलाइट को, इतना कर दीजिएगा। देखिएगा फेस आपका मान लीजिए आधा स्मूथ हो चुका है। उसके बाद आपको शेयर करना कहाँ पे, इस फोटो को देखिए पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। देखिए पिक्स आर्ट में आने के बाद देखिए सबसे मेन कर रहता है आपका बैकग्राउंड, जो कि आप लोग चाहते हैं बैकग्राउंड को ग्रीन रखना, येलो रखना या फिर जो भी कलर करना, उसको कलर करने के लिए आप लोग इफेक्ट पे आना है, फिर कलर पे जाना है और कलर रिप्लेस पे जाकर यहाँ से आप लोग अपना बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखिए कितना हार्ड हार्ड बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। चलिए मैं इसको रखता हूँ ब्लू, ठीक है, इस कलर में रखता हूँ। एंड इतना काम करने के बाद
आपका मैंने बैकग्राउंड मान लीजिए बन जाता है कलर उसका, तो सिंपली इसको ले चलना होता है कहाँ पे, फोटोरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले मैं फोटो को सेव करता हूँ, देखिए इधर फोटो सेव हो चुका है मान लीजिए मेरा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, फोटोरूम एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो आपको फोटोरूम में आने के बाद आपको स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे जाकर अपना फोटो चूज कर लेना है। और देखिए मैं कितना हार्ड आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको खोजने से नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको नीचे जाना है और अभी नीचे आपको मिलेगा क्या, बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन, ठीक है। तो मैं नीचे चलता हूँ और इधर देखिए इधर फर्स्ट में है ब्लर का ऑप्शन, तो इस पर आप लोग क्लिक करना है। एंड फिर आपको बैकग्राउंड पे जाना है और इधर से क्या करना है आपको, देखिए बस एक बार बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। जस्ट ब्लर पे जाकर आपको सेकेंड नंबर ब्लर को लेकर आपको ब्लर जितना रखना है उतना आप लोग रख लीजिए, मैं इसको इतना रखता हूँ। एंड ये कितना हार्ड मेरा लग रहा है, इतना काम करने के बाद जस्ट आपको फोटो को ले चलना कहाँ पे, ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। चलिए मैं इसको ले चलता हूँ ऑटोडेस्क में। देखिए ऑटोडेस्क में आने के बाद क्या करना है, सिंपली ब्रश पे जाना है और आपको क्या करना है, देखिए इस वाले ब्रश को लेकर सेटिंग को देखिए ध्यान से आप लोग इसको तीन आप लोग रख दीजिएगा, और इसको देखिए मैं तीन रखता हूँ, इसको रखता हूँ आप लोग को 20। फिर आपको आराम से फोटो को जूमिंग करके देखिए आपको आराम आराम से ऐसे फेस को करना है स्मूथ। देखिएगा इतना स्पेशल ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपका अमित भाई हर एक वीडियो को देखता है यार, कौन क्या डालता है कौन क्या नहीं डालता है, उसी के हिसाब से आपका भाई वीडियो बनाया है, ठीक है। ताकि आप लोग को अगर 1% भी एडिटिंग करना नहीं आता होगा फिर भी इस वाले वीडियो से आप लोग एडिटिंग सीख जाएंगे। तो देखिए आप लोग को ऐसे ही आराम आराम से आपको फेस को करना है स्मूथ। देखिए आज से सिखा रहा है हमको गाइस, हमको 4 साल हुआ एडिटिंग करते करते और ये ऑटोडेस्क हमको सिखा रहा है एडिटिंग करना। कोई दिक्कत नहीं गाइज, ऐसा नहीं है कि मुझको पूरा एडिटिंग करना आता है, मैं आप लोग के लिए डेली कुछ ना कुछ सीखता हूँ और आप लोग को सिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग के लिए आसान आसान ट्रिक सीखता हूँ कि जो मैं ट्रिक जानता हूँ अगर वो बताऊँगा तो फिर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को ऐसे ही आराम आराम से आपको फेस को करना है इसमें। देखिए ये वाला ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है, देखिए सबका एक आकार होता है, किसी तरह का ब्रश आप लोग चलाएंगे ना तो आपका फेस खराब हो जाएगा, इसलिए आपको हिसाब से ब्रश को चलाना होता है, जिससे आपका जो होता है फेस का आकार होता है, गर्दन का आकार होता है, उसी आकार के हिसाब से आप लोग को फेस ब्रश को चलाना होता है। देखिए कितना मस्त देख सकते हैं आप लोग, कितना हार्ड मैं स्मूथ कर रहा हूँ। सेम इसी प्रकार से आप लोग भी स्मूथ करिएगा अपना चेहरा, देखिए कितना हार्ड, देखिए गर्दन स्मूथ हो रहा है। अगर आप लोग कहीं भी स्मूथ ब्रश चला देंगे ना तो आपका फोटो खराब हो जाएगा, कितना हार्ड हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, अपने नाक को स्मूथ करता हूँ। नाक को देखिए स्मूथ करने के लिए आप लोग फोटो को पूरा जूमिंग करके तब आप लोग स्मूथ करिएगा, देखिए कितना हार्ड देख सकते हैं आप लोग, कितना हार्ड ये भी स्मूथ हो गया। फिर क्या करना है आप लोग को, आराम आराम से इस साइड भी इसको भी स्मूथ आप लोग कर देना है। देखिए गाइस अगर आप लोग कोई भी दिक्कत लगता हो कि यार हमको एडिटिंग स्मूथ करने में दिक्कत लग रहा है या फिर बैकग्राउंड बनाने में, तो आप लोग सिंपली कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके स्पेशल इसके उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो देखिए मेरा कितना हार्ड फेस स्मूथ हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग सेम टू सेम जिस तरह मैं शुरू में बताया था आप लोगों को। तो ऐसे ही आप लोग को हर एक पार्ट को स्मूथ कर देना है। एंड इतना सारा काम होने के बाद क्या करना है आपको, अपने फोटो को ले चलना कहाँ पे, पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा आपको टैग्स कैसे लगाना है अपने फोटो पे। तो सिंपली आपको ऐड फोटो पे आ जाना और मैं आपको टैग्स का लिंक दे दूंगा 2-4, ठीक है, जो कि मैं शुरू से देते आया हूँ टैग्स PNG। तो आप लोग डाउनलोड किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो मैं फिर दे दूंगा आपको, आराम आराम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, नीचे चलता हूँ और देखता हूँ ये रहा टैग्स PNG। तो आप लोग को मैं बहुत सारा टैग्स PNG दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं कोई एक थोड़ा टैक्स पेंज लेता हूँ बहुत हार्ड वाला, और इसको लेने में जस्ट आपको इधर ब्लेंड पे आना है स्किन करके, इसको इतना पर लगा देना है, देखिए कितना हार्ड है। एंड गाइज फोटो आप लोग देख सकते कितना हार्ड बन के रेडी हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं अपने फेस को और ज़्यादा गोरा करना, तो गोरा करने के लिए आप लोग स्नैपशॉट में आ जाइएगा और इसमें आने के बाद सिलेक्टिव पे जाना है और इस प्रकार से आप लोग को फेस पे और भी ज़्यादा लाइट दे देना है। देख लीजिए गाइज, देख लीजिए आपको जितना चाहे उतना लाइट दे सकते हैं बिफोर आफ्टर। गाइस देखिए फोटो कितना हार्ड में आप लोगों के सामने बना दिया हूँ एंड आप लोगों को सिखा दिया हूँ। आशा करता हूँ गाइस आज के ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बस आप लोग एक अपने भाई के लिए छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन सा बेस्ट लगा, इस कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी खतरनाक वीडियो के साथ।